बात उसकी करनी चाहिए जिसका कुछ महत्व हो। आई मीन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और उसी को पढ़ने में क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मैं इसका तैयारी कर लूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी बस्ती पे, और मैं हूँ दीपक झा। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम इससे पिछला वीडियो दिए थे क्रिस्टल्स के बारे में, आपको पता होगा, और मिलियन निर्देशांक कैसे निकालेंगे इसका वीडियो भी हम दे चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा क्रिस्टल के जो दोष होते हैं वो दोष क्या होता है, ये जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कर लीजिएगा, और अगर नए हो भाई तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे आपकी जो एग्जाम होगी ना, और आप जो साइंस का तैयारी कर रहे हैं इसमें केमिस्ट्री का खास करके, वो केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चंस एक एक नोट्स मैं आपको तैयार करके दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम में अगर आता है आप उसे आसानी से क्या करते हो बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और दूसरी बात यह है कि इस चैनल पे आपको पता होगा एक और टीचर जुड़ चुके हैं जो SSC रेलवे बैंक ग्रुप डी सभी की तैयारी कराते हैं, और साथ साथ आपका 10th और 12th का भी जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका तैयारी करवाएंगे। तो जी हाँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस चैनल पर, क्योंकि आपका साइंस के साथ साथ आपका मैथ का भी तैयारी होगा इस चैनल से। इसलिए चैनल को पूरा एकदम सब्सक्राइब भाई कर लेना, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो, कॉमेंट करो प्रॉब्लम होता है तो। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए हमारा सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो है क्या, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल में दोष। क्रिस्टल में दोष मतलब समझिए, अभी तक हम ये पढ़े थे कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है, और जो क्रिस्टलीय टाइप होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि ये हमारे क्रिस्टल का जो दोष है वो आखिर है क्या। देखिए क्रिस्टलों में दोष उनके, ठीक है, अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण क्रिस्टलों में दोष होता है। बात समझ में आ रहा है, जो क्रिस्टल में जो दोष होता है या तो अव्यवस्था होगा, क्योंकि आपको पता होगा क्रिस्टल में क्या होता है कि जो कण होते हैं किस चीज के, अणु या परमाणु कण, उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है, एक व्यवस्था के साथ रखा जाता है, ठीक है, तो वो होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अव्यवस्थित मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, अव्यवस्था कोई भी चीज को, मान लीजिए कि आप कोई फंक्शन कर रहे हैं अगर उसकी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो वो फंक्शन आपको पता होगा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन अगर मैं व्यवस्था के साथ उस फंक्शन को क्या करता हूँ, करता हूँ, तो मेरा कभी भी जो फंक्शन होने वाला है वो कभी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन मैनेजमेंट, इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है। आपको पता होगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैनेजमेंट होता है, एक रूटीन होता है जिसके तहत आप लोग पढ़ाई करते हो और अच्छा खासा रिजल्ट वो अचीव कर पाता है। लेकिन जो तैयारी नहीं करता उसको प्रॉब्लम होता है। बात समझ में आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पर भाई, दोष कब लगेगा, जब व्यवस्था नहीं होगा यानी कि अव्यवस्था होंगे। बात समझिए क्या होगा, अव्यवस्था होगा यानी कि क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण, समझ रहे हो, अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण क्रिस्टलों में दोष होता है भाई। अगर उनकी अव्यवस्था या अशुद्धि होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल में दोष लगना ही है, ठीक है। इसलिए हम लिखे हुए क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण क्रिस्टलों में दोष होता है। उसके बाद देखिए आप यहां समझ सकते हो दोष, आई मीन दोष का टाइप्स, हमें जो इस वीडियो में पढ़ना है क्या क्या दोष है, तो उसका भी कुछ टाइप्स होगा, कितने प्रकार के दोष लगेंगे भाई क्रिस्टल में, इसको समझो। तो एक है आपका बिंदु दोष, ठीक है, दोष का जो टाइप्स होगा फर्स्ट क्या होगा, बिंदु दोष, और सेकेंड होगा रेखीय दोष, ठीक है, क्या होगा, बिंदु दोष और रेखीय दोष लगेगा। और हम बात करेंगे बिंदु दोष का, तो फिर उसका भी टाइप्स है, यानी कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, क्या है, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, इसको समझिए, रस समीकरण मितीय दोष या और रस समीकरण मितीय दोष, ये दो चीज हम पढ़ेंगे इसमें। अब रस समीकरण मितीय दोष के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या आएगा, फ्रेंकल दोष हो गया, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, रिक्तिक दोष हो गया, रिक्तिकाएं जिसको कहते हो, और शॉटकी दोष हो गया, और आपका हो जाएगा अंतराकाशीय दोष, ठीक है, क्या होगा, अंतराकाशीय दोष। तो फ्रेंकल दोष, रिक्तिक दोष और शॉटकी दोष या अंतराकाशीय दोष को पढ़ेंगे हम किसमें, रस समीकरण मितीय दोष में, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं और अरस समीकरण मितीय दोष, इसमें क्या है, तो धातु अधिकतय दोष हो जाएगा और धातु न्यूनता दोष दोष हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, धातु अधिकतय दोष हो जाएगा और धातु न्यूनता दोष, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। जो हमारा क्रिस्टल्स का दोष होगा, ये दोष का जो टाइप्स होगा, एक होगा होगा आपका बिंदु दोष और दूसरा हो जाएगा आपका रेखीय दोष। फिर बिंदु बिंदु दोष में क्या आ जाएगा, रस समीकरण में दोष और अरस समीकरण में दोष। और जब रस समीकरण में दोष में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष, रिक्तिक दोष, शॉटकी दोष एंड आपका पढ़ेंगे अंतराकाशीय दोष, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो। और समीकरण में दोष में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सुनिए, धातु अधिकतय दोष हो जाएगा या धातु न्यूनता दोष, अधिकतम दोष या न्यूनतम दोष, किसमें पढ़ेंगे, किसमें, और समीकरण वित्तीय दोष में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर ये जो दोष होता है
दोष तो आप समझ ही गए कि दोष होगा कैसे, कि स्टोनों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण के स्टोन में दोष होता है। अब आगे देखिए कि बिंदु दोष क्या होता है और रेखीय दोष क्या होता है, सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये बिंदु दोष, यानी कि जो हमारा बिंदु दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है, दोष का जो टाइप था, फर्स्ट क्या था बिंदु दोष और सेकेंड क्या था रेखीय दोष। तो सबसे पहले ये जानिए कि बिंदु दोष होता क्या है। देखिए बिंदु दोष का परिभाषा होगा कि अव्यवी कणों की व्यवस्था में विचलन होने से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। यानी कि अव्यवी कणों की व्यवस्था में जो विचलन होने से जो उत्पन्न दोष होगा, जब अव्यवी कणों का जो व्यवस्था करेंगे उसमें क्या होगा कि विचलन होगा, और विचलन होकर कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। उसके बाद देखिए रैखिक दोष क्या होता है, कि जालक के पूर्ण पंक्ति में उत्पन्न दोष को रैखिक दोष कहते हैं। जालक समझ में करते होंगे आप, जालक बिंदु जो होता है, जालक बिंदु के यानी कि जालक के पूर्ण पंक्ति में जो जालक बिंदु का जो पूर्ण पंक्ति होगा उसमें उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। समझ में आ गया, क्या होगा, रेखीय दोष हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, देखिए रस समीकरण वित्तीय दोष, ये क्या है, रस समीकरण वित्तीय दोष मतलब कि यह दोष एक ऐसा दोष होता है जो दोष के पहले तथा दोष के बाद अनुपात समान होता है। फिर से रिकॉल करते हैं, सुनिए, रस समीकरण वित्तीय दोष मतलब कि यह दोष एक ऐसा दोष होता है जो दोष के पहले तथा दोष के बाद अनुपात क्या होता है, इसका समान होता है, यानी कि बराबर अनुपात होगा, इसको समझ लीजिएगा, क्या होगा, बराबर अनुपात होता है, ठीक है, किसका होता है, रस समीकरण द्वितीय दोष का। यानी कि एक ऐसा दोष होता है जो दोष के बाद या दोष के पहले क्या होता है, अनुपात समान होता है, ये क्या कहलाएगा, रस समीकरण द्वितीय दोष, ठीक है। उसको देखिए नेक्स्ट है और लास्ट है, और रस समीकरण द्वितीय दोष, और रस समीकरण द्वितीय दोष, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस दोष में दोष के पहले, इस दोष में दोष के पहले तथा दोष के बाद धनात्मक तथा ऋणात्मक समान नहीं होता है, समझिए, उसमें समान होता था अनुपात, लेकिन इसमें क्या है कि दोष के बाद क्या होगा या दोष के पहले क्या होगा, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, दोनों क्या होते हैं, समान नहीं होता है, क्या कहलाएगा, और रस समीकरण द्वितीय दोष कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, और रस समीकरण द्वितीय दोष। तो आई होप कि आप समझ गए, अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है, रस समीकरण द्वितीय दोष क्या होता है, और रस समीकरण द्वितीय दोष क्या होता है, मैंने आपको बायोडाटा करके बताया ना, ठीक है, एक नक्शा तैयार करके मैंने बताया कि जो दोष होते हैं वो दो होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। फिर बिंदु दोष का भी क्या होता है, टाइप होता है रस समीकरण द्वितीय दोष और रस समीकरण द्वितीय दोष। फिर रस समीकरण द्वितीय दोष के अंदर फिर पढ़ना है हमें, और रस समीकरण द्वितीय के फिर दोष हमें पढ़ना है। तो मैं वो रस समीकरण द्वितीय जो अपना दोष इसका जो टाइप्स होगा, और रस समीकरण द्वितीय दोष इसका जो टाइप्स होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं लंबा करता ही नहीं हूँ, बस कम समय में आपको जो भी बताऊँ ताकि वो याद हो जाए। अगर लॉन्ग वीडियो दूंगा तो आप बोर हो जाइएगा और क्लास पूरा नहीं कर पाइएगा, तो फिर आपका ये मेरा समय भी बेकार जाएगा और आपका भी समय बेकार जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर ही कोई वीडियो को शूट करके अपने चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो आई होप कि आप समझ जरूर गए होंगे, प्रॉब्लम होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करोगे, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट नहीं करोगे, और बता दो कि चैनल पर अगर और सब जाएगा तो आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो मेरी ऑनलाइन क्लास से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये जो रस समीकरण द्वितीय और रस समीकरण द्वितीय दोष है उसका टाइप्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।